দার্জিলিং পৌরসভা এলাকাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ গ্রহণ করল দার্জিলিং পৌরসভা। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে পূজার্চনা করে দার্জিলিং পৌরসভা এলাকায় 70টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজের শিলান্যাস করলেন দার্জিলিং পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুর। জানা গিয়েছে, আনুমানিক 8 কোটি টাকা ব্যয় করে প্রকল্পের কাজগুলো করবে দার্জিলিং পৌরসভা। এর মধ্যে পানীয় জল, পথবাতি, রাস্তা এবং বিভিন্ন এলাকায় সুলভ শৌচালয় তৈরি করা হবে পৌরসভার তরফে। এদিন অনুষ্ঠানে দার্জিলিং পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান প্রতিভা রায়, কাউন্সিলর বিষ্ণু মল্ল, মুকুন্দ রাজ বড়াইলি, গণেশ সার্কি, শীতম লামা, বিজয় গজমের, সুধা লামা সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। सबैजनाको ध्यान आकर्षण गर्दै है र जुन प्रकारले हामीले सबैजनालाई एउटा अतिथिको रूपमा निम्त्याएका थियौँ र हाम्रो सम्पूर्ण काउन्सिलर दाजुभाइ है र वार्डका मेम्बर्सहरू र साथै मिडिया कर्मीलाई हामीले निम्त्याएका थियौँ र यस विषयमा आज जुन शिलान्यास भयो है त्यस विषयमा हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी दिपेन चेयरमेन दिपेन ठकुरीज्यूको पहलमा धेरै ठुलो कार्य भएको छ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी एरियालाई लिएर र त्यसलाई नै विवरण दिँदै म दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी चेयरमेन दिपेन ठकुरीज्यूलाई केही शब्द राखिदिनु भनेर अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम एकदमै हाम्रा दार्जिलिङको गण्यमान्य हाम्रो दाजु नौसाद दाजुकोबाट हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई एउटा एम्बुलेन्स उहाँले गिफ्ट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो एम्बुलेन्स एकदमै हामीलाई जरुरत थियो र उहाँले यो दिनुभएकोमा र यो पश्चात हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई यो एम्बुलेन्सले धेरै नै सहयोग गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आज दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा एक सबसे इम्पोर्टेन्ट चिज क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक ये प्रोजेक्ट ल्याने में हम सक्षम हुए हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेन्ट वो टॉयलेट्स था, लाइट्स था, जो जरूरी मूलभूत जरूरत में हम लोगों को ये चाहिए होती है तो इसको हमने ला पाए और दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी को हम फैसिलिटेट कर पा रहे हैं और जनता को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। इसमें 54 टॉयलेट्स हैं, इसमें 20 झोराज है और उसके साथ में ग्रीन सिटी मिशन से हम लोगों ने जो लाइट का प्रोजेक्ट लेके आया है उससे क्या होगा कि अब दार्जिलिंग में हम लोग नया चेंज ला सकते हैं। तो इस संदर्भ में मैं सरकार को भी, बंगाल सरकार को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और चीफ मिनिस्टर मैडम ममता बनर्जी जी को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और हमारे चीफ अनित थापा जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने उन सभी का एक आशीर्वाद हमारे ऊपर होने के कारण हम लोगों ने अचीव कर पाए। धन्यवाद।